ये हमारा नेक्सोन के अंदर फिटिंग हो गई है, प्ले मॉडल इसमें हमने लगाया। ये टाटा नेक्सोन है बेस मॉडल, इसमें कंपनी के शेयरिंग बटन्स नहीं आते, कुछ नहीं आता, ब्लैंक आता। डोर में भी कंपनी स्पीकर नहीं देती है, बेस मॉडल। नेक्सोन के अंदर फिटिंग हो गई है, प्ले मॉडल इसमें हमने लगाया प्रॉपरली। सारे काम आप दिखा सकते हो, डोर के अंदर सोनी के कंपोनेंट कस्टमर लेके आए थे, ये उनके कंपोनेंट स्पीकर वगैरह लग चुके हैं डोर के अंदर प्रॉपर। ये स्टीयरिंग बटन आप देख सकते हैं, प्रॉपर कंपनी फिटेड OEM वाला लग गया इसके अंदर, प्रॉपर फिटिंग हो गई। ये आप देखो प्रॉपर जैसे कंपनी से आता है, सेम वही OEM वाला इसमें लगा आपका स्टीयरिंग बटन। ये डोर के अंदर आपके कंपोनेंट के ट्यूटर्स आ जाते हैं, नीचे स्पीकर्स आ जाते हैं, कंपनी फिटेड प्रॉपरली। सेम जैसे आपका कंपनी का काम करते सेम वही फंक्शंस हो गए। कॉल रिसीव के बटन को प्रेस करते तो ब्लूटूथ की सेटिंग्स आ जाती है, ये मोड बटन आ जाएंगे आपको, जो उन हिसाब से मोड यूज करना है सिंगल सिंगल टैप में। आपको यहाँ पे इक्वलाइजर सेट करना है, अभी आप वॉल्यूम देख रहे हो 7 पे, ये मैक्सिमम 10 पे करते हैं, आप इसकी साउंड सुनो। सेम आपको सिर्फ यहाँ पे इक्वलाइजर सेट करने हैं, इक्वलाइजर जैसे आप सेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी सेटिंग्स हैं। इसके अंदर हम रिवर्स गियर लगा के ऑटोमेटिक
के लिए हमारा HD कैमरा होता है जिसकी क्लैरिटी आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर विजन्स आएंगे, कोई पिक्सल्स नहीं, कोई ब्लरिश नहीं, प्रॉपरली। अब सेम आप इसके अंदर हेडलाइट ऑन करते हो फर्स्ट पॉइंट, तो आप देख सकते हो साइड के अंदर लाइट्स इल्यूमिनेट हो चुकी है, बटन्स में नाइट का फंक्शन होता है, ये ऑफ हो जाती है, ऑन हो जाती है। किसी किसी कार के अंदर ये वायरिंग का ऑप्शन नहीं आता, तो हमें इसकी वायरिंग सेपरेट ऐड ऑन करनी पड़ती है, तो ये फंक्शंस भी आप ऑपरेट कर सकते हो। सेम स्टीयरिंग बटन्स के अंदर भी आप देख सकते हो, ये स्टीयरिंग बटन्स हैं नेक्सॉन के, इसके अंदर भी लाइट इल्यूमिनेट होती है नाइट के टाइम, आपको मे बी ये दिन में शो नहीं होगा, ऐसे कवर कर, ये आपकी वाइट लाइट ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई, बिल्कुल माइनर सा टेक्सचर आ रहा है डे के टाइम में, पर नाइट के अंदर प्रॉपरली ये विजिबल हो जाती हैं। डिस्प्ले एनहांसमेंट को ऑन कर दोगे, जो क्लैरिटी होती है वो थोड़ी सी और एनहांस होगी।